प्रो लाइट, काफ़ी दिनों से इसके बारे में बोल रहा था, वीडियो बनाता हूँ, बट आज फाइनली टाइम मिला है तो इसके ऊपर वीडियो बनाते हैं। और एक गाड़ी भी स्कैन करना है तो लगा के इसको देखते हैं, स्कैनिंग भी करता हूँ एंड कुछ डिटेल्स भी देखते हैं इसके बारे में। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं लॉन्च X431 प्रो लाइट के बारे में कि इसके अंदर कैसा है और इसके बारे में कुछ थोड़ा डिटेल्स देखते इसके अंदर के बारे में क्या है क्या नहीं है। एंड इस गाड़ी के अंदर X3500 है, इसमें एक लाइट वगैरह आ रही है, इसको लगा के चेक भी करेंगे इसमें। बट मैंने इसको एक दो तीन गाड़ी में यूज़ किया, काम कर रहा है ऑलरेडी, है ठीक है, मैंने चेक किया है, ठीक ठाक काम कर रहा है। एंड जैसा कि सब स्कैनर में आता है, आपको पता है ये मेड इन चाइना ही है, कोई भी स्कैनर ले लेते हैं हम लोग। बट इसके अंदर जो है, जैसा जो ऑप्शन रिसेट का आता है, इसके अंदर रिसेट का ऑप्शन नहीं है, ठीक है। प्रो लाइट के अंदर जो रिसेट का स्पेशल फंक्शन का जो ऑप्शन रहता है वो नहीं है। बाकी तो फीचर्स है इसके अंदर, प्लस 3 साल फ्री अपडेट है इसके अंदर, ये एक अच्छा है कि अगर आप कोई इसके अंदर चूज करते हो 35-40 हज़ार रुपये का, अगर उसमें 1 ईयर अपडेट है तो इसके अंदर अगर 3 साल का अपडेट है तो ये आपके लिए बेहतर ऑप्शन रहेगा, ये ले सकते हो आप। और अगर ज़्यादा प्राइस में डिफरेंट नहीं, अगर ज़्यादा प्राइस में डिफरेंट है तो आप कोई दूसरा इसके अंदर भी चूज़ कर सकते हो, अगर आपके पास बजट लो बजट है आपके पास तो। लेकिन मेरे ख्याल से अगर इसमें 3 साल अपडेट है तो आप ये लेना बेहतर रहेगा, लेकिन फिर भी देखते हो। और आगे इसके बारे में अगर आप ये लेना चाहते हो तो ले सकते हो, बट मैं यही बोलता हूँ कि कभी भी लो तो अच्छा इसके अंदर लो, मैं हमेशा से यही बोलते आया हूँ कि लो कभी भी तो अच्छा लो। बाकी इसका जो डिस्प्ले वगैरह देखने में, जो पायलट स्कैन हो गया, इससे तो कुछ अच्छा ही लग रहा है मेरे को, ठीक है, इसका डिस्प्ले और अपडेट, क्योंकि पायलट में कैसा है, 1 साल का अपडेट है, इसके अंदर 3 साल का अपडेट आ रहा है। बट अगर प्राइस का ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, अगर 10-20 हज़ार रुपये का डिफरेंट है या 30 हज़ार का भी डिफरेंट है तो ये ले लो, आपके लिए बेटर रहेगा। लेकिन इससे भी अच्छा ऑप्शन जो है, मैं आपको यही बताऊंगा कि आप V3 ले लो, V3 सबसे बेस्ट है, ठीक है। 3 साल अपडेट भी है और वो लेटेस्ट भी है, और उसके अंदर जो है ऐसा कुछ नहीं कि अपन बोल सकते अरे भाई इसमें ये नहीं है इसमें वो नहीं है। लॉन्च में मतलब जो भी है, जो ऑप्शन पैड में आते थे पहले, सिर्फ इसके अंदर ये है कि हम लोग कैन की जो लाइन लगा के BMW, Audi, Mercedes वगैरह का कोडिंग नहीं कर सकते, ठीक है, FRM वगैरह या कुछ की कोडिंग मॉड्यूल वगैरह जो पैड 3 में ऑप्शन है वो नहीं कर सकते। बाकी तकरीबन काम इससे हम लोग कर सकते हैं, किससे, V3 से। बाकी ये भी इसके अंदर ठीक ठाक है, अगर आपको ये पसंद है, अगर आपको अच्छा लग रहा है आपके बजट में तो ये ले सकते हो आप। और तो जैसा कि देख सकते हैं, इसका जो क्लस्टर मीटर है इसके अंदर काफ़ी लाइटें आ रही है, एयरबैग का भी आ रहा है, ABS का भी आ रहा है, टायर प्रेशर का भी आ रहा है, ट्रैक्शन का भी आ रहा है, और चेक इंजन लाइट भी आ रही, कुछ लाइटें ब्लिंक भी कर रही है इसके अंदर। तो इसको स्कैनिंग भी कर लेते और थोड़ा बात भी करेंगे इसके अंदर के ऊपर जब तक ये स्कैनिंग होते रहेगा। इसका जो कनेक्टर है ये इसके अंदर लगा हुआ रहता है साथ में, प्रो लाइट के साथ ही, मतलब इसमें दिया हुआ है इसको रखने का, ठीक है। उसके ऊपर लिखा हुआ रहता है मेड इन चाइना वगैरह, और कितने वोल्टेज इस पर यूज़ करना है, कम बैटरी कभी इसकी डाउन रहे तो नहीं लगाना चाहिए, कम से कम 9 वोल्टेज बैटरी चार्ज रहना चाहिए, और 24 वोल्टेज में इसको कभी यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर हम लोग इसको गाड़ी स्टार्ट भी रहती है, ऑल्टरनेटर चार्ज भी करता है तो 15-16 वोल्टेज तक ओके, लेकिन 17-18 के ऊपर यूज़ नहीं जाना चाहिए ये, और ज़्यादा टाइम इसको कनेक्टर को लगा के रखना नहीं चाहिए, जो कनेक्टर है ज़्यादा टाइम लगा के नहीं रखना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा टाइम मतलब 1-20 मिनट तक ओके, लेकिन 20 मिनट के ऊपर नहीं लगा रखना चाहिए। तो ये जो इसका इंटरफेस है थोड़ा इसका अलग है, जैसा कि इसमें प्रो लाइट लिख के आ रहा है, बाकी जो स्कैनर है इसका जो लोगो है वो भी अलग है, और इसके अंदर डायग्नोस फीडबैक, ग्लो अपडेट, प्रोफाइल सेटिंग्स, और जिसमें रिसेट का ऑप्शन आना चाहिए वो नहीं है इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर जो रिसेट का ऑप्शन आता है वो इसके अंदर नहीं थे, बाकी इसके अंदर यही सब लिख के आ रहा है, डायग्नोस अपडेट ये सब है इसके अंदर। अमेरिकन फर्स्ट में इसमें जैसा कि सब में आता है ऐसे अमेरिकन का ही रहता है, उसके बाद यूरोपियन, इंडियन, चाइनीज गाड़ियों का। तो ये गाड़ी महिंद्रा की है, महिंद्रा इंडिया में अपने जाके चेक करना है, उसको क्लिक करना है, सबसे पहले अपने को एशिया में जाके चेक करना चाहिए, एशिया में पहले जाना है, उसके बाद इसके अंदर
डाउन करेंगे तो एसी आ जाता है इसके अंदर। न्यू में भी क्लिक कर सकते हो, ओल्ड में भी चूज कर सकते हो इसको। तो इसका ईबीएस रीड नहीं कर रहा है, तो मेरे ख्याल से इसका जो ईबीएस का कुछ प्रॉब्लम रहेगा, मतलब ये नहीं कि इसका इसके अंदर का फॉल्ट है। ईबीएस जैसे अभी रीड नहीं कर रहा है, इंजन देख सकते हैं इसका इंजन जो है रीड कर रहा है, बट ईबीएस रीड नहीं कर रहा है। तो ईबीएस रीड नहीं कर रहा, इसमें बहुत सारे इशू हो सकते हैं, जैसा कि इसका फ्यूज क्या रहेगा, ईबीएस का मेन फ्यूज जो आता है, इसका वायरिंग चूहने कट क्या रहेगा, या इसकी जो कैन कम्युनिकेशन की लाइन है कैन डिस्टर्ब हो रहा होगा, या तो इसका ईबीएस मॉड्यूल खराब रहेगा, तो रीड नहीं कर रहा है ये, बाकी इंजन वगैरह रीड कर रहा है। बहुत बार ऐसा मुझे लोग फोन करते हैं कि भाई इंजन रीड नहीं कर रहा है, तो जरूरी नहीं रहता कि मतलब बोलते हैं कि भाई इसके अंदर सॉफ्टवेयर वगैरह का भी इशू रहता है, बट जरूरी नहीं कि सॉफ्टवेयर का इशू हो। समटाइम ऐसा रहता है कि अपनी गाड़ी का भी प्रॉब्लम रहता है, कैन लाइन डिस्टर्ब रहता है, ठीक है, जो अपना ओबीडी कनेक्टर उसके अंदर मेन नहीं आता रहेगा, या उसमें मेन आता रहेगा, अगर जो कैन लाइन उसके अंदर ज़्यादा वोल्टेज आएगा तो भी काम नहीं करता है, और अगर वोल्टेज डाउन रहेगा तो भी काम नहीं करता है, या तो फिर एसीएम खराब रहेगा। कभी कभी ऐसा होता है गाड़ी वगैरह स्टार्ट होती है बट एसीएम खराब रहता है, रीड नहीं करता है, ऐसे भी केस आते। तो इसके अंदर ज़्यादातर जो डीटीसी फॉल्ट दिख रहा है इस गाड़ी के अंदर, जिस कार में जैसा कि देख सकते हैं पूरी हिस्ट्री डीटीसी है इसके अंदर, तो ये सब तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन इसके अंदर जो मेन फॉल्ट है, जो एबीएस की लाइट आ रही है, ट्रैक्शन की लाइट आ रही है, और टायर प्रेशर की आ रही है, तीनों लाइट एबीएस की वजह से आ रही है। जब एबीएस रीड करेगा तब ये तीनों लाइट के बारे में पता चल सकता है। एक खास इसका वायर वगैरह कट हुआ रहेगा कैन कम्युनिकेशन का, या तो इसके अंदर मेन नहीं जा रहा होगा जो इसका एबीएस का मॉड्यूल है। देख सकते बहुत सारे फॉल्ट क्लियर हो गए, दो तीन फॉल्ट बचा है इसके अंदर बस। पोजिशन लैम्प का दिखा रहा है, जो लाइट के अंदर एक बल्ब आता है, जो हम लोग स्टीयरिंग लेफ्ट राइट घुमाते गाड़ी टेन लेने के टाइम ऑन होता है वो। इसका वायर वगैरह कट हुआ रहेगा, इसके लिए करंट डीटीसी कंटिन्यू ऑन है, और मतलब जा नहीं रहा है फॉल्ट, करंट डीटीसी दिखा रहा प्रेजेंट है। तो ये गाड़ी तो क्लस्टर में भी एक बार चेक कर लेता हूँ, कितना अनर्व तो ये गाड़ी जो है फॉल्ट, मतलब स्कैनिंग तो हो गया, बात करते हैं स्कैनर के ऊपर। अब ये जो लॉन्च का प्रो लाइट स्कैनर है, काफ़ी दिनों से बोल रहा था भाई वीडियो बनाऊंगा, एक दो महीना हो गया, बट सॉरी उसके लिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, दो महीने से बोल रहा हूँ। आप बहुत लोग मेरे को फ़ोन करते कि भाई इस पर वीडियो बनाओ, लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए इसको। एंड सबसे पहले बात करते बाहर से, जो मेरे पास सबसे ज़्यादा फ़ोन करते लोग, गल्फ वगैरह से भी करते, यार भाई मैं कतर से या दुबई से या जो भी गल्फ बाहर कंट्री से आउट ऑफ इंडिया से जो बात करते कि मैं इसके अंदर लेने के आना चाहता हूँ, मलेशिया वगैरह से भी लोग फ़ोन करते कि भाई भाई अभी जॉब मेरी सही नहीं चल रही है, यहाँ पे कुछ कंडीशन ठीक नहीं है, तो मैं यहाँ से इसके अंदर लाना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो बाहर कंट्री में इसके अंदर सस्ता मिलता है, टैक्स वगैरह का मतलब वहाँ थोड़ा कम है तो वहाँ पे सस्ता मिल जाता है। बट ऐसा है, पहले ऐसा था, जैसा कि मैंने आज से 10-15 दिन पहले वीडियो बनाया था कि अगर आप बाहर से इसके अंदर लाते तो ला सकते तो आप, लेकिन अब ऐसा है कि इसके अंदर 5 गाड़ी का सॉफ्टवेयर नहीं आता है। मेन इश्यू जो ये है, 5 गाड़ी का सॉफ्टवेयर नहीं आता, मारुति महिंद्रा टाटा एंड मलेशियन की 2 गाड़ी का सॉफ्टवेयर नहीं आता, तो उसकी तो अपने को ज़रूरत नहीं मलेशियन की गाड़ियों का, अपने को जो ज़रूरत है इंडियन गाड़ियों का ज़रूरत है। मारुति महिंद्रा टाटा को तो आप अगर इंडिया में काम करना है तो इन गाड़ियों का काम करना ही पड़ेगा ही आपको, तो उसका सॉफ्टवेयर नहीं आता, तो आप वहाँ से भी इसके अंदर लोगे, फिर यहाँ आके आप दूसरा लोगे, या तो फिर वही इसके अंदर में आपको डीलर से बात करके लेना पड़ेगा, तो फिर पैसा तो आपको पे करना पड़ेगा, तो बात वही हो जाएगी। इससे बेस्ट ये रहेगा कि आप यहीं पे ले लो। इसका बैक साइड में जैसा कि देख सकते हैं प्रो लिखा हुआ है, ठीक है, प्रो लाइट वगैरह, X431 प्रो लाइट लॉन्च का, जैसा मेड इन चाइना वगैरह लिखा रहता है वैसा लिख के आ रहा है उसके अंदर भी। तो मैं यही बोलूँगा कि अगर आप बाहर से इसके अंदर ला रहे हो तो आप अगर की वगैरह का काम करते हो, की मेकर हो, X2 एक्सपेड वगैरह ले सकते हो, बट कोई बाहरी इसके अंदर जो दूसरे लॉन्च वगैरह का इसके अंदर हो, G-Scan 2 वगैरह, वो लाके आपको फ़ायदा नहीं है, वो आपको यहाँ से ही लेना चाहिए तो बेस्ट रहेगा आपको इंडिया में ही। लोग बोलते हैं कि भाई आपने क्यों मंगाया फिर बाहर से, मैं पहले बाहर से मंगाता था बहुत सारे इसके अंदर, जो मैंने इससे पहले रिव्यू किया आपको दिखाया है, क्रैक वर्जन वगैरह ये इस सब में इशू नहीं है, ये सब का हो जाता है, बट कैसा है अभी अगर आप ओरिजिनल इसके अंदर लेने जाते हो तो आपको यहीं से लेना पड़ेगा, या 2-4 दिन पहले मैंने अभी करना है तो इंडियन डीलर से ही लो आप, ठीक है,
वो तो मैंने इसलिए आपको बताया कि जैसे कि आप अगर मेरे को फोन करके किसी ने बोला कि भाई मैंने 25,000 का लिया वहाँ से, कोई बोला मैंने 35,000 का लिया, बट इसलिए मैंने आपको बताया कि भाई अगर आप बाहर से लोगे तो उसमें इंडियन गाड़ी का सॉफ्टवेयर नहीं आता है, लेना है तो आपको यहीं से लो। लेकिन अगेन मैं आपको रिकमेंड, अगर आप पैसा फंसा रहे हो 50,000, 60,000, 40,000, तो इससे बेहतर है एक बार लो, अच्छा इसके अंदर लो, हमेशा के लिए लो, अच्छी ठीक है वो बेहतर रहेगा। लेकिन अगर आपके पास बोलते हैं कि मेरे पास कम बजट है मेरे को वही लेना है, तो आप ले सकते हो, आपकी मर्जी। लेकिन बाद में यही होने वाला है कि अरे यार मैंने ये ले लिया, एक साल यूज़ किया, आप दिल भर गया, आप सोच रहा हूँ वो ले लूँ, और अगर आपके पास इतना ज़्यादा काम भी नहीं आता तो उतना पैसा भी आप निकाल नहीं पाओगे, फिर आपको अपडेट करा देने का पैसा देना पड़ेगा। तो इससे बेहतर है एक बार लो, एक ही बार रोना अच्छा रहता है, अच्छा इसके अंदर लो बेस्ट रहेगा, यही बोलता हूँ। और दूसरी बात, अगर आप प्रो लाइट या क्या कहते हैं इसको पायलट अगर आप लेते हो, तो उसके अंदर जो OBD इसका कनेक्टर है उसके साथ में अगर आपके पास कोई गाड़ी आ जाती है, कौन सी फीएट की पालियो, मर्सिडीज की ओल्ड मॉडल जिसमें 20 वायर का कनेक्टर लगता है, तो वो सब कनेक्टर भी साथ में नहीं आता, उसको आपको अलग से लेना पड़ेगा, तो गाड़ी आपको रिटर्न भेजना पड़ेगा। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ V3 बेस्ट है क्योंकि इसके अंदर कैसा मालूम है, जो ऑप्शन से पहले ये पैड में आते थे, अभी जो प्रो V3 में आ रहा है, बस इसके अंदर क्या है कि हम लोग कुछ एयरबैग वगैरह, SRS एंड क्या बोलते फुटवेयर मॉड्यूल, FRM वगैरह, कोडिंग वगैरह का जो कैन बॉक्स की लाइन लगती है वो लगा नहीं सकते इसके अंदर, किसमें प्रो V3 में, नहीं तो पैड को टक्कर देने के जैसा इसके अंदर है। बट कंपनी क्या करती है, हम लोग को ऐसा घुमा के फिरा के रखती है, किसी में कुछ फ्यूचर देती है, किसी में कुछ फ्यूचर देती है, ताकि उसके सारे इसके अंदर बिके। लेकिन मैंने इतने सारे इसके अंदर यूज़ किया है, तकरीबन 18-19 साल से मैं इसके अंदर यूज़ कर रहा हूँ मुंबई के अंदर। आप पूछ सकते हो किसको भी आके यहाँ पे, पई ऑटो में मैंने काम जहाँ से किया है मैंने स्टार्ट 2000 में, ठीक है, मैं बाहर इटालियो के साथ, फिलिपिनियो के साथ बहुत जगह मैंने काम किया है, ठीक है। तो बेस्ट मेरे ख्याल से अगर आपको अभी मेरे को जो ठीक ठाक लग रहा है, जी स्कैन भी अच्छा है, सब ऐसा इसके अंदर बोलता हूँ कोई ख़राब नहीं रहता है, लेकिन मुझे जो ठीक ठाक लग रहा है प्रो V3 बेस्ट है, आप वो ले सकते हो। मैं वही रिकमेंड करूँगा कि आप उस पर जाओ, अच्छा रहेगा आपको, क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा पैसा भी नहीं लग रहा आपको जितना इसके अंदर में जो है, अगर आप दूसरा लेने जाते हो जैसे पैड 3 लेने जाते हो, पैड वगैरह लेने जाते हो। लेकिन अगर आप प्रीमियम गाड़ी का ही सिर्फ काम करते हो प्रीमियम का, तो आपको पैड ले सकते हो। बट अगर आप बोलते हो कि नहीं यार मेरे को लो बजट में एकदम लेना है, तो ले सकते हो आप 35-40 हज़ार वाला इसके अंदर, उससे कम भी आते। मैंने बताया था इससे पहले एक वीडियो में कि 300 रुपये से स्टार्ट होता है OBD, ठीक है, 300 का भी आता है, 1000 का भी आता है, 1600 का इसके अंदर के बारे में भी मैंने बताया। सिर्फ इसमें इंडियन गाड़ी का काम नहीं होता, बाकी सब गाड़ियों का आप इंजन रीड कर सकते हो, लोग इंडियन गाड़ी का भी रीड कर रहे हैं सुचकी में जाके, 1600 रुपये का भी आता है इसके अंदर। लेकिन लेके फ़ायदा नहीं, अगर आप कस्टमर के सामने कोई अच्छा इसके अंदर यूज़ करना चाहते हो, तो प्रो लाइट पायलट से बेहतर है, और पायलट से प्रो लाइट से बेहतर क्या है, V3 है, तो उसमें ज़्यादा पैसा लग रहा है, लेकिन एक बार रो अच्छा रहेगा वो लोगे तो आप। लेकिन अगर आपकी पसंद है, अगर आप लेना चाहते हो ले सकते हो। लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे कि भाई कौन सा इसके अंदर लूँ, तो मैं आपको बोलूँगा V3 ले लो, बेस्ट रहेगा, क्योंकि 2018-19 में अभी फिलहाल वही थोड़ा लेटेस्ट है इसके अंदर है, नहीं तो अभी प्रो पैड 4 भी आ गया है और भी आ गया, क्योंकि इंडिया में हम लोग पास जो इसके अंदर आता है काफ़ी यूज़ होने के बाद, यानी पहले वहाँ निकलता है बाद में हम लोग यूज़ करते हैं, सालों के बाद हम लोग पास आता है, ठीक है, ऐसा रहता है। बाकी इसका भी इंटरफेस दिखने में ठीक ठाक लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं कि इसमें कुछ इतना बुरा लग रहा है आप इसको कस्टमर के सामने यूज़ नहीं कर सकते हो। मुझे तो पायलट से ही अच्छा लग रहा है इसके अंदर। प्लस इसमें जो हम लोग को दूसरा एक फ़ायदा लग रहा है कि भाई इसके अंदर 3 साल का अपडेट भी है, और इसके अंदर वाया केबल भी नहीं है, ब्लूटूथ कनेक्टर है। अगर कंपनी को बनाना होता तो फिर कंपनी थोड़ा डिफरेंट कर देती है कि भाई वो भी बिक जाए, तो ऐसा है इसके अंदर। एंड बात कर लेते केबल के बारे में कि एक दो कमेंट मेरे पास आए कि भाई केबल लगाने के बगैर इसके अंदर का काम नहीं होता है, तो पायलट में ही क्या, पायलट से आप क्या मुझे ACM रिप्लेस करके दिखाओगे, ऑडी का कौन सी गाड़ी का ACM आप रिप्लेस करने वाले हो, उससे ऐसा नहीं होता है कि आप अगर पायलट इसके अंदर लगा रहे हो, ठीक है, उससे कोई गाड़ी का ACM रिप्लेस करना है। एक भाई ने मुझे कमेंट किया था कि मैं एयरबैग क्या बोलते हैं रिस्टार्ट करने के लिए एयरबैग का, ठीक है, केबल्स के थ्रू ही होगा, ऐसा कुछ भाई ने लिखा था, मैं नहीं पा रहा था उसको, कुछ लिखा था भाई ने ऐसा हिंदी में। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरे पास मारुति की कोई भी गाड़ी का, मुझे एक गाड़ी का एयरबैग का जो रहता है इसका एयरबैग मॉड्यूल वो रिस्टार्ट करके दिखाओ आप पायलट से, पायलट का कोई भी लॉन्च स्कैनर से आप मुझे करके दिखाओ, ठीक है, जो ये स्कैनर है लॉन्च के, ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ आप विदाउट केबल जो आप, क्योंकि जो आजकल क्या कहते हैं इसको दिखने में आजकल जो फ्यूचर में या मॉडर्न ज़माने में मतलब जो आजकल का चल रहा दौर, उसमें कैसा वाया हर चीज़ वायरलेस के थ्रू वाया ब्लूटूथ है, हर आदमी चाहता है केबल वगैरह से थोड़ा वो रहे। लोग बोलते नहीं भाई केबल से होना चाहिए कनेक्ट, एक दो जन ने मेरे को बोला इस पर कमेंट वगैरह कुछ आए,
तो मैंने बोला भाई ऐसा है कि अगर आप केबल के थ्रू करना चाहते हो तो कंपनी इस पर केबल वाला ही बनाती ना, बंद क्यों कर रही। पहले कंपनी ने लॉन्च ने मास्टर केबल पे ही बनाया था, ठीक है, बहुत सारे कंपनी के सी राइडर केबल पे ही है। तो केबल का इसके अंदर मैं नहीं बोल रहा हूँ कि खराब है, मुझे पसंद नहीं, वो मेरा अपना वो प्रॉब्लम है, मतलब मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, मगर आपको चॉइस है तो आप ले सकते हो, ठीक है। बाकी लोग बोल रहे हैं केबल लगाने के बगैर काम नहीं होता, कौन सा ऐसा इसके अंदर से कि मैं टेबल पे हम लोग एसीएम को करते हैं, ठीक है, जो क्या बोलते हैं एसीएम कोडिंग वगैरह है आजकल गाड़ियों में कम ज़्यादा टेबल पे होते भाई, ठीक है। एंड दूसरी बात ये कर ले तो लोग मुझे बोलते कि भाई मुझे एसीएम वगैरह का काम सीखने वाला है, मतलब काम सीखना है, ट्रेनिंग वगैरह चाहिए। तो एसीएम वगैरह का दौर जाने वाला है भाई, अभी ज़्यादा कुछ काम बचा नहीं है एसीएम के अंदर, क्योंकि एसीएम पहले जैसा कि देखो आप बड़ा आता था, धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है एसीएम। अभी जितनी भी गाड़ी आ रही है, हंडे ले लो, मारुति ले लो, महिंद्रा ले लो, कितना छोटा हो गया एसीएम, मतलब धीरे धीरे एसीएम का काम खत्म हो रहा है, सिर्फ रिप्लेस का काम बचा है। अभी आपको सीखना क्या चाहिए, कैटैक, कैन बॉस, यूपीए, बीडीएम, ये सब के बारे में आपको सीखना चाहिए काम, ये सब बेहतर रहेगा। एंड दूसरा लोग बोलते हैं भाई आप क्यों खुद इसके अंदर सेल नहीं करते, मैं इसके अंदर सेल नहीं करता, अगर आपके पास जो भी डीलर आप उससे ले सकते हो। बट हाँ मैं ये बोलने वाला हूँ कि क्या कहते हैं, पहले तो मैं सेल नहीं करता था, बट अभी मैंने एक कल ही और एक डीलर से बात किया है, बात चल रही मेरी है कि मैंने मेरे थ्रू जो भी बंदा इसके अंदर लेगा तो उसको 10% डिस्काउंट अगर मिलेगा तो मैं किसी डीलर को आपको रिकमेंड करूंगा कि आप उससे इसके अंदर ले सकते हो। बात चल रही है, अभी कंफर्म नहीं हुआ, अगर कंफर्म हो गया तो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि अगर मेरे थ्रू अगर कोई भी बंदा आपसे इसके अंदर लेगा तो उसको 10% अगर डिस्काउंट दोगे तो मैं आपसे बात करता हूँ। और बाकी जो अपना इसके अंदर सेल कर रहे हो तो बोलेंगे भाई कि मेरा इसके अंदर एक नंबर है, कि कोई भी आदमी अपना ये थोड़ी ना बोलता कि मेरा सामान खराब है। और ये सब चीज़ में मेरे को पढ़ना नहीं चाहिए क्योंकि मैं खुद टेक्नीशियन हूँ, मुझे सिर्फ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। लेकिन अगर कुछ लोग को नहीं मेरी बात पसंद आ रही तो अपनी मर्जी से भाई ले सकते हो, ठीक है, मेरे कोई ज़बरदस्ती नहीं कि मैं जो बोल रहा हूँ आप वही लो। तो मैं अगेन ये रिकमेंड करना यार काम है सिर्फ बताना, ठीक है। और मैं अपने काम से खुद मुझे फुर्सत नहीं है, जो मेरा काम है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह जो भी मेरे को उससे खुद फुर्सत नहीं। मैं क्या इसके बारे में मतलब इंटरफेयर करूँ कि भाई ये इसके अंदर वो सामने वाला बेच रहा है, उसका गलत बेच रहा है, ये कर दूँ वो कर दूँ, ये सब मेरे को खुद नहीं पढ़ना है क्योंकि मेरा काम नहीं है ये, ठीक है। मैं साफ़ सुथरा मतलब काम रखना चाहता हूँ, मतलब मैं जो मेरा जो चैनल है क्या बोलते हैं, जो जिस टॉपिक पे मैं बात ज़्यादातर करने वाला हूँ, मतलब रिले लोकेशन, फ्यूज लोकेशन, स्टार्टिंग ट्रबल, या एक टेक्नीशियन में जो यूज़ होता है उसके बारे में। बट ये आजकल के दौर में जो आजकल की न्यू जनरेशन में आजकल का जो गाड़ियाँ आ रही है इसके अंदर के बगैर काम नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने इसके ऊपर ज़्यादा मतलब वो किया, मैंने फोकस दिया कि इसके अंदर के ऊपर हम लोग काम करते तो इससे हम लोग को ईजी होता है काम करने, इसके लिए मैं इसके अंदर के ऊपर वो कर रहा था। बट अगर कोई ये बोल रहा है कि भाई मेरा इसके अंदर तुम्हारे बोलने की वजह से सेल नहीं हो रहा, ये हो रहा है, ये हो रहा है, तो ये सब गलत बात है भाई, मैं किसी साथ ऐसा नहीं करना चाहता, मेरे अंदर ऐसा कुछ बात नहीं है कि मैं सामने वाले का इसके अंदर बोलूँ कि नहीं लो ऐसा सेल ना हो, ये सब मैं नहीं चाहता भाई, और ना मैं ही इतना बड़ा हूँ कि मैं किसी के साथ ऐसा कर सकता हूँ, ठीक है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।